आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला। अभी हम आपके साथ एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर उस रिपोर्ट को विदाउट बीवीए प्रोग्रामिंग से करना हम बताएंगे कैसे होगा। तो एक छोटी सी रिपोर्ट्स है यहाँ पे, डैशबोर्ड्स ऑटो करके है हमारे पास, सिंपल से जानिए। एक क्या है कि हमारे पास दो डेटा है। पहला डेटा है जिसमें सोर्स वाइज किस किस टाइटल से कितना घंटा कितना व्यू किया गया है वीडियो का, ओके। फिर यहाँ पे चार्ट में है कि भाई किस टाइटल से किस दिन, क्योंकि यहाँ पे है पूरे महीने का है, ये पूरा 28 दिन का है टोटल है ओवरऑल। और चार्ट में डेट वाइज है किस डेट को कितना व्यू किया गया है किस आर्टिकल से डेट वाइज। तो बेसिकली हमने वीवीए प्रोग्रामिंग से बनाया हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक किया, जिस यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा है आपको, जिस चेकबॉक्स में हम क्लिक करेंगे उस चेकबॉक्स का डेटा यहाँ दिखेगा, दिख रहा है सर? समझ आ रहा है सर आपको? एक से ज्यादा या हम एक भी लेंगे, जैसे गूगल का ले लिया तो गूगल का है डेट वाइज कितने सेल्स हुए, ठीक है सर। अब मुझे इसी तरह का एक रिपोर्ट तैयार करना है, लेकिन क्योंकि इसके लिए ये तो यहां पर देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स है, और इसके लिए हमने वीवीए प्रोग्रामिंग का भी यूज किया है, आप देखेंगे हमने वीवीए का भी यूज किया हुआ है इसे। देखिए हमारी अब बात आती है कि हर बार वीवीए का यूज करना सही नहीं रहेगा ना, और हर बार वीवीए इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है, तो चलिए हम इसमें विदाउट वीवीए का यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है, लेकिन मैं टॉप फाइव ही लेके चलूंगा कि यहाँ पे लिस्ट में टॉप फाइव ही आएगा, ठीक है सर। तो ये हमारा डेटा हो गया, ये होगा चार डेटा हो गया। क्या करना है समझ में आ गया आपको? तो उसमें जी जी समझ में। चलिए तो सबसे पहले हमें यहां पे ये करना है कि जो भी टाइटल्स है उसका यहां पे डैशबोर्ड पे समरी पे मुझे इसका यहाँ पे टॉप फाइव आए, यहाँ पे टॉप फाइव, और टॉप फाइव में क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। टॉप फाइव किसके अकॉर्डिंग, तो व्यूज के अकॉर्डिंग, समझे? टॉप फाइव व्यूज के अकॉर्डिंग, तो कैसे आएगा? दिक्कत और भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहां पे 206 एक बार हो तो दिक्कत हो सकता है। तो यहां पे हमने यहां पे एक पोजीशन हमने दिया, यूनिक कोड निकालेंगे। यूनिक कोड निकालने के लिए हमने क्या किया, इसमें इसके अंदर जो है हमने और इसमें हमने रो नंबर यहां पे रो दिया, रो में माइनस वन डिवाइड बाय, चलो वही रो ही कर देते, रो डिवाइड बाय एक लंबा अमाउंट हम इसमें प्लस कर देते। तो इससे क्या हुआ कि डेसिमल्स में एक में इसमें अकॉर्डिंग व्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, 572 ही होगा, लेकिन एक्चुअली 572 नहीं है, इसमें कोई अंतर है। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए भी 572 है तो दोनों के बीच में एक रहेगा, एक यूनिक, मैंने काफी ज्यादा कर दिया, एक मिनट, ठीक है, दोनों यूनिक रहेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ा।
इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, वो नेटवर्क डाउन हो गया शायद सर्वर। ठीक है मैं कर देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है तो हमने यहां से इसको रिपीट कर दिया। अब मुझे समरी पे चाहिए, तो समरी पे मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया मैच का, सॉरी हाँ ऑफसेट का, ऑफसेट डेटा, सॉरी डेटा में गए, इसको सेलेक्ट किया। अब यहां से रो नंबर, तो रो नंबर में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इसका मैच का। मैच में कौन सा मैच, किसको मैच करना है, तो हमने बोला यहाँ पे क्योंकि मुझे टॉप फाइव चाहिए तो लार्ज, और लार्ज भी इसको सेलेक्ट किया एंड हमने किया कॉमा, फिलहाल तो वन करता हूँ, वन कॉमा किसमें मैच करना है, तो हमें इसमें मैच करना है कॉमा जीरो, और हमारा रो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीमेल आ गया, टॉप पे जीमेल है तो जीमेल आ गया। अब ये आ गया, अब इसमें हमने वन दिया हुआ है, इसके जगह पे मैं करता हूं रो माइनस 14 ताकि वन ऑटोमेटिक आ जाए। अब मुझे ए वन को फ्रीज करना है F4 से, इसको फ्रीज करना है और इसको फ्रीज करना है। A1 का A फ्रीज नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं। एक दो तीन चार पांच, पांच आ गया सर। ठीक है मैं यहां जो डेटा है हमारा, अब इस डेटा में एक छोटा सा काम मैं करता हूं डेट, तो डेट में मैं मिनिमम डेट देता हूं और इसमें मैं प्लस वन कर देता हूं क्योंकि 28 दिन का है, हमें पता है कि हमारे 28 दिन का, तो मैक्सिमम भी कर सकते हैं आप, लगा सकते हो कि मैक्सिमम, मैं भी लगा देता हूं क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने दिन का है, मैं चाहता हूँ जो डेट है उसके बिटवीन होना चाहिए, तो मिनिमम आ गया। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल इफ, अगर इसमें प्लस वन होने पे अगर वो ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ब्लैंक हो, अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस कर। मुझे पता है कि इसमें एरर आने के चांसेस है, तो मैं यहां इफ एरर का फॉर्मूला लगाता हूं और फिर नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। तो 28 दिन का जो है हमारा वो आ जाएगा। अब इसमें यहां पे क्वेश्चन ये आता है, यहां पे मुझे टू चेक बॉक्स चाहिए, क्या चाहिए, चेक बॉक्स। मैं एक बार इसको छोटा करता हूं, तो क्योंकि चेक बॉक्स चाहिए लेकिन बीवीए इस्तेमाल नहीं करना है हमें, ठीक है सर। मैं इसमें डेवलपर टैब में जाता हूं, इंसर्ट में हमारे पास फॉर्म कंट्रोल है,
इसमें क्या होता है कि बीवी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स उठा के मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। राइट क्लिक, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे 3D सेटिंग कर दिया, और लिंक में मैं इसको यहाँ दे देता हूँ। ठीक हुआ कि इस पे अगर क्लिक होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और इसी को हम कॉपी करके नीचे की तरफ हर रो के लिए रख लेते हैं। ध्यान रखिएगा रो का जो कॉलम का साइज है, कॉलम का साइज फिट कर लीजिएगा ताकि एक इसके अंदर वो समा जाए। कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करते चले जाइए नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं एक एक करके राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और सेल लिंक जो यहां ऊपर है इसको हटा के हम इसको कर देते हैं। हर किसी के सामने सेल लिंक होगा तो इस पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, इस क्लिक करते हैं। नहीं, ये अनसेट नहीं हुआ है ना। चेक कर लीजिए, अब यहां चार्ट में आता हूं मैं। यहां पे कंडीशन होगा कि इफ इफ अगर समरी में अगर ए इक्वल टू ट्रू है तो मुझे इसको करना है, अदरवाइज इफ अगर ये अगर इक्वल टू ट्रू है तो हमें अदरवाइज ब्लैंक करना है। यहां पे ब्लैंक करना है, करने का मतलब यहां पे ये जो हम ए इफ कर लगाया, इस चीज को जान लीजिए। तो ऐसा क्या इसलिए करना है कि अगर मान लीजिए समरी पे अगर इसमें इस पे क्लिक हुआ, इस पे क्लिक हुआ तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, समझे। तो अगर यह ऊपर ट्रू है तो ये हेडिंग देना ही देना है, अगर ऊपर ट्रू नहीं है तो इसमें ट्रू है तो फिर ए हेडिंग देना है, अदरवाइज ब्लैंक शो करना है। तो यहां पे मैं इसको
आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, जी के जगह पे मिनट 15 के जगह पे यहाँ 16 हो जाएगा और चेक कर लेता हूँ दो को क्लिक करके जीमेल एंड व्हाट्सएप। आगे ड्रैग करते हैं 16 की जगह पे 17, यहाँ भी 17 फेसबुक और आगे एक चौथा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हम यहाँ भी 17 करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, लास्ट 19। उसके बाद मैं यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे दो कंडीशन, डेट को मैच करना है कि इस डेट में जीमेल हो तो यहाँ पे इसका 3 आना चाहिए, उसके लिए एक यहां पे करेंगे और डेट के साथ हम कंबाइन करेंगे मल्टीपल वीलू सीट वीलुकअप है ना इसलिए, और यहां भी हम वीलुकअप लगाते समय अपने डेट के साथ कंबाइन करेंगे जीमेल और फिर अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड कॉमा 4, 0। अब नीचे इसको ड्रैग करना है तो ये तो फिक्स रहेगा, H1 का हम 1 फ्रीज कर देते हैं, H रहने देते हैं और AD तो फ्रीज होगा ही होगा। इसमें ये एरर क्यों है, हमने यहाँ पे G2 का G फ्रीज नहीं किया था। हाँ, अब इसको आगे ड्रैग करने के समय मुझे पता है कि इसमें एरर आएगा तो इस एरर के साथ हमने इसको ब्लैंक कर दिया ताकि एरर के जगह पे ब्लैंक आए और फिर हमें इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग कर दिया। अब इसके ऊपर एक मिनट डेट है, के ऊपर हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट लाइन चार्ट और यहां से इसको कट करते हैं और समरी पे ले जाते हैं ऊपर में और फिर इसको आगे की तरफ इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं यहाँ पे जीमेल हटाता हूं, हट गया फेसबुक कोई नहीं है, अब मैं यहां पे करूंगा तो रिजल्ट आ गया,
मैं जैसे यहां पे क्लिक किया तो और ओवरऑल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं जीमेल पे क्लिक कर रहा हूं तो इसको हाथ यहां से अनचेक करना पड़ेगा। ठीक है, दो का दिखा रहा है। समझ आया सर आपको? श्री समाज जी, कुंदन जी एंड तोष नारायण जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। क्या हुआ सर, क्या बोल रहे थे? सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिए, मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूं। हमें इसमें इसमें का टॉप फाइव चाहिए, ठीक है, और जिस पे जिस हेडिंग पे क्लिक करो उसका चार्ट यहां पे चाहिए, और चार्ट का डेटा डेट वाइज है जो कि यहां है। समझ में आ गया? क्लियर सर? अब इसमें एक चीज ये हो गया, अब इसमें एक चीज और है हमारा यहां पे कि जो डेटा, जो हमारा डेटा है इसमें टॉप टॉप फाइव चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने यहां पे फॉर्मूला से इसको प्लस करके डिवाइड कर, क्योंकि अभी चलो भी ये अल्फाबेटिक है लेकिन जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिक हो। जैसे ट्रू कॉलर से मान लीजिए मैं यहां पे 96 कर देता हूं, तो 96 ट्रू कॉलर पे चला गया तो ये देखिए आपका समरी में लाल में वो मैंने 14, गूगल सर्च एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इसमें। एक सही तो है वो, हाँ मैच का रिजल्ट हमेशा एक कम होता है ना, ऑफसेट लगाया हुआ था ना मैंने, ओ माइनस वन करना तो भूल ही गया मैंने। ठीक है सर, तो देखिए ट्रू कलर आ गया ना पोजीशन पे। ट्रू कलर तो एक ही दिन है 96, तो उसी तरीके से यहां पे है, तो ये यूनिक आईडी से बनाया गया है। उसके बाद हमने क्या किया कि जितना यहां हम सिलेक्ट करेंगे ट्रू में, जिस पे ट्रू होगा वही हेडिंग जो है आपका चार्ट में यहां पे दिखेगा। जिसका हेडिंग दिखेगा उसी का डेटा अपीयर होगा, उसी भी आपका चार्ट होगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे गूगल सर्च को अनचेक कर दिया तो आप देखेंगे चार्ट में गूगल से सर्च हमारा ब्लैंक आ गया। तो इस ब्लैंक है तो चार्ट में तो शो करेगा नहीं, चार्ट में गूगल सीट आपका नहीं शो कर रहा, तीन ही शो कर रहा, चार ही शो कर रहा है, ट्रू कलर हटा दिया वो भी नहीं शो करेगा। समझे? ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, इस पर आप लोग रिसर्च कीजिएगा और कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। डेवलपर टैब लाएंगे कैसे? डेवलपर टैब होता है आपको इसमें कस्टमाइज रिबन, फाइल मेनू बार के अंदर कस्टमाइज रिबन। ठीक है,
इसमें कोई वीवी की जरूरत करने की नहीं पड़ेगी सर। तो इस पर रिसर्च कीजिए, यह फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, बाकी चीज़ हम डिस्कस कर